निर्वाचन पाई जम्मू एवं काश्मीर रे राजनीतिक कसरत जोरदार। बीजेपी रो दाबी एथर एकाकी लढ़ी निज दमरे गढ़िब सरकार। बीजेपी को चेक देबा को कांग्रेस एनसी मेंटो पाई करुछन्ते विचार। भारतीय बनाम भारत विरोधी हेबो बीजेपी रो मुख्य प्रचार। जम्मू छत्तीस रु छत्तीस आसन पोछिनेबा को बीजेपी करिछि बड़ रणनीति। जुल्फिकार अली पद्म धरिबा परे घाटी रे भी दल देखाई पारे करामति। निर्वाचन तारीख घोषणा पर ठारु जम्मू एवं काश्मीर रो ठंडा वातावरण उष्ण होबार लागिछि। धारा 370 हटिबा परे प्रथम थर पई हेबाकु जाउछि विधानसभा निर्वाचन। शेष थर पई 10 वर्ष तले एठारे होइतिला विधानसभा पई भोट। तबे इतिमध्ये रे एही केन्द्रशासित प्रदेश रो परिस्थिति रे होइछि आमूलचूल परिवर्तन। एथर विच्छिन्नतावादींकर चालिबनि चोर, सेपटे पाकिस्तान रो कारसादी भी पड़िछि कमजोर। तेणु एक मुक्त निर्वाचन पई प्रस्तुत काश्मीर भोटर यार आभासगत लोकसभा निर्वाचन रे रेकर्ड भोट प्रतिशत रु मिली सारी। एही परिवर्तित परिस्थितिर फायदा नेबाकु प्रस्तुति चलाइछन्ति सबु राजनीतिक दल। एही केन्द्रशासित प्रदेश रे मुख्यतः चारिटि दलर रहिछि बड़ प्रभाव। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। कांग्रेस एवं पीडीपी रो स्थिति पूर्व अपेक्षा दुर्बल थिया बेले जम्मू रे बीजेपी एवं घाटी रे एनसी रे रहिछि पल्ला भारी। जम्मू काश्मीर विधानसभा रो मोट 90 आसन पई भोट हेबाकु थिया बेले जम्मू रे रहिछि एथिर 36 टि आसन। 2016 विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी एही क्षेत्र रे 25 टि आसन जितिथिबा बेले गत लोकसभा निर्वाचन रे जम्मू क्षेत्र रे 29 टि आसन रे आगुआ थिला बीजेपी। एथर एही संख्या रे आहुरी वृद्धि घटाई सबु आसन पोछि नेबाकु योजना करिछि दल। निकटरे निर्वाचन पई अनुष्ठित होइतला बीजेपी रो प्रस्तुति बैठक। एथिरे दलर निर्वाचन प्रभारी जी किशन रेड्डी समेत जोग देथिले बहु वरिष्ठ नेता। बैठक रे निजर रणनीति चूड़ांत करिछि बीजेपी। एक कैंडिडेट्स का क्योंकि नॉमिनेशन शुरुआत हुआ है आज, इसलिए कैंडिडेट्स का करना जरूरी है। इसके बारे में पहले ही हमारा स्टेट इलेक्शन कमेटी का मीटिंग हो रहा है। इसमें प्रोसेस रिकमेंडेशन, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल करती है, इसलिए स्टेट इलेक्शन कमेटी का मीटिंग प्रोसेस कर रहे पैनल पे, एक एक सीट पे 3-4 पैनल भेजने का प्रोसेस शुरुआत किया है। सपटे घाटी ने भी निज शक्ति वृद्धि सेठारे भी आसन जीतिबा नै बीजेपी करिछि योजना। निकटरे पूर्वतन मंत्री तथा पीडीपी नेता चौधरी जुल्फिकार अली बीजेपी रे चोक दैछन्ती। राजौरी एवं पूंछ अंचल रे तांकर भल लोकप्रियता रहितबारु सेही अंचल रे भल फलाफल आसरे बीजेपी। देखिए, हम जम्मू कश्मीर के मफाद में जो ये एक निर्णय लिया है और इस मफाद के लिए हमें काम करना है। वी आर कंफर्टेबली गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मुझे लगता है आज के दिन में यही एक विकल्प है लोगों के पास, यही एक अल्टरनेटिव है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हो सकता है। से बड़े जम्मू कश्मीर रे कहां सह करिबो मेंट एया को नहीं दो छकी रे कांग्रेस। यहां भीतर बुधवार श्रीनगर रे पहुंचिछंती दलर नेता राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद को परी वरिष्ठ नेता दल छाड़िया परे दुर्बल होई पड़िथिबा कांग्रेस एबे मेंटो सहारा रे निजरो स्थिति सुधारिबा को लक्ष्य रखिछि। अलायंस का जहां तक ताल्लुक है वो हर लाइक माइंडेड पार्टी के साथ बातचीत हो सकती है। उनका क्राइटेरिया एक ही है कि वो बीजेपी और उसकी उनके एजेंडा के खिलाफ होने चाहिए। यहां भीतर नेशनल कांग्रेस तारा निर्वाचन इस्तार प्रकाश करि सारिछि, जेउथिरे काश्मीर प्रसंगरे पाकिस्तान सह कथाबार्ता एवं धारा 370 फेराई आणिथिबा भळी प्रतिश्रुति दे घाटीर भोटरकु प्रभावित करबाकु लक्ष्य रखिछि। बीजेपी एहाकु देश विरोधी आख्या दे एहा विरोधरे प्रचार करबाकु योजना करिछि। तो अगर इससे पहले तीन बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो तीन फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे। अगर तीन फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। एक विषय आपको बताना चाहता हूँ, ना उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का सवाल ही नहीं, तो 370 आर्टिकल वापस लेने का किधर होता है? इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उमर अब्दुल्ला हो, ना मुख्यमंत्री बनेगा ना सत्ता में आएगा, इसलिए 370 आर्टिकल वापस लेने का मुद्दा ही नहीं उठता है। एथिस 1,22,000 काश्मीर पंडितों को वोट भी हेबो एही निर्वाचन रे निर्णायक। एही वोट बळ रे घाटी रे किछि आसन हातेबा को लक्ष्य रखिछि बीजेपी। जम्मू काश्मीर धारा 370 हटिबा परे घाटी रे विकासमूलक काम सह लोकंक जीवन धारण रे जे परिवर्तन आसीछि ताहा चलित निर्वाचन को प्रभावित करिवार संभावना को मध्य एडाइ दिया जानो पारे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।
जदि आपंको आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।